अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा होता है ना कभी कभी कि लोग जब रो के मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी मदद कीजिए, तो मुझे उस वक्त है ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे उस वक्त उसके आंसू नज़र आते हैं कि वो रो रहा है। तो एक्चुअली वो रो रहा है, वो दिखा रहा है, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो पूरा ड्रामा था। तो पब्लिक के लिए एक ही ओपिनियन, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ईजीली एनी वन। मैंने ज़ुबैर खान पे ट्रस्ट किया एज अ ब्रदर, उसकी बात को सच समझा। ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई है क्योंकि मैंने ज़ुबैर खान का केस जब से हाथ में लिया है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। रीज़न ये है कि मुझे तरह तरह के कॉल आ रहे हैं और सारे गंदे कॉल, और बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अच्छा, फाइनली क्योंकि केस मैंने लिया था ज़ुबैर खान का अपने हाथ में, तो उन्होंने आके एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन में ये लिखा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब मैं जब लोनावाला पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ तो मुझे ज़ुबैर खान से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको कौन से हॉस्पिटल लेके गए। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि मैडम उसको उस हॉस्पिटल में लेके गए थे। ठीक है, और सबसे बड़ा सच ये है, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ, सच के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं सुनती हूँ। अभी मेरे पास, मैंने ये 3 हफ्तों में जितनी मेहनत की है, मेरे हिसाब से ज़ुबैर खान के केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी मोल ली है, ये सिर्फ दुश्मनी मोली हुई है। क्योंकि ज़ुबैर खान के केस में कोई बाउंड्री सही है ही नहीं। वो जो बोल रहा है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो गलत बोल रहा है। मेरी डॉक्टर, वो क्या नाम था डॉक्टर का, डॉक्टर कामत से बात हुई, उन्होंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। और ज़ुबैर खान ने सिर्फ 2 टैबलेट खाई थी, ही हैवेंट कमिटेड सुसाइड। तो फिर बाहर आके इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी कि मैंने सुसाइड के अंदर किया, इसलिए इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। नहीं, देखिए, जैसे ही मैंने ज़ुबैर खान का केस लिया हाथ में, तो उसने इमीडिएटली मीडिया पब्लिसिटी कर दी कि मेरी बहन ये केस लड़ने वाली है, आप भी मेरे भाई लोग ही हैं, आप मेरी बहन हो। तो ये एकदम क्लियर पिक्चर है मेरी तरफ से कि कोई भी जब भी आएगा मेहनत, मतलब मदद मांगने के लिए, तो वी विल बी देयर, लेकिन उसको मिसलीड मत करो, मिसगाइड मत करो। ज़ुबैर खान से मैं बेहद नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो कि 101% गलत बात है। उन्होंने सिर्फ 2 गोली दिखाई थी। बिग बॉस के घर के अंदर का कुछ रूल है, वर्षा कपूर, शी इज़ द वन विथ होम आई एम इन कम्युनिकेशन फ्रॉम बिग बॉस हाउस, शी सेज़ कि मैम एस्कोरिल जैसा सिरप भी अंदर, अगर वो 5 ml जाना है तो 5 ml ही जाता है, पूरी बॉटल नहीं जाती है। तो हाउ कैन ही गेट द मेडिसिन इनसाइड, कि एक्चुअली हमने शुरुआत गलत की। हमें बॉम्बे कमिश्नर को कंप्लेन देके मतलब नहीं था, क्योंकि इंसिडेंट हुआ लोनावाला में। तो लोनावाला जब मैं कंप्लेन लेके कल पहुंची, तो दे आर रेडी टू टेक स्टेटमेंट, और बोल रहे हैं कि इसने स्टेटमेंट पहले भी दिया है। अब मैं इसको बुला रही हूँ, मैं इसे फ़ोन करूँ तो ही सेइंग कि आई एम सिटिंग इन द कोर्ट, और वो अपने लॉयर के साथ वो कोर्ट में केस बना रहा है। अरे फनी, नुकसान तो आपका ही हुआ। हाँ, नुकसान मेरा हुआ, नुकसान बहुत हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। मैं ज़ुबैर खान का केस छोड़ रही हूँ ये आज। मैं भाई, मेरे लिए तो तू भी मुझे आप ही बुलाता है, तो मैं तेरी भी बहन हूँ। वो भी आप ही बुलाता है, सारे आप ही बुलाते हैं। कुछ फैमिली रिलेशन या कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मुँह बुला रहा हूँ। यस, वो मेरे प्लान में, मैं आप ये बोल सकते हो कि यस, मुँह बुला भाई बोल सकते हो। और इस वक्त वो जैसे ही बिग बॉस से वो बाहर निकला, तो सबसे पहले उसने मेरे पास ही आकर कंप्लेन फाइल की कि ऐसे ऐसे हुआ। नहीं, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आपके साथ है, मेरे साथ है। जो अच्छा किया आपने, आपके साथ है, जो अच्छा मैंने किया मेरे साथ है, लेकिन मैं गलत चीज़ का साथ नहीं दे सकती हूँ। तो फैसला आप 30 तारीख के बाद देंगी? हाँ, मैं 30 तारीख के बाद दूंगी। तो मैं ये केस को फाइनली छोड़ रही हूँ क्योंकि ज़ुबैर खान ने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ ये एक वजह है ये केस छोड़ने का। आप छोड़ रही हैं? हाँ, मैं ये केस छोड़ रही हूँ। मैं एक टर्मिनेशन लेटर बना के उनको दे भी दूँगी कि मैं ये केस आगे नहीं लड़ूँगी, क्योंकि इसमें ज़ुबैर खान झूठ बोल रहा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और अगर अटेम्प्ट किया था, तो मैं जब कल लोनावाला पुलिस स्टेशन में तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए बुला रही हूँ, FIR रेडी करने के लिए बुला रही हूँ, आप बोल रहे हो कि 3 हफ्ते से आप मैं से बातें सुन रहे हो आप, तो 3 हफ्ते से बातें सुनने की बात नहीं थी, कल था लोनावाला में मेरा जाना, मतलब फाइनली FIR बनाना। आपको FIR बनाने के लिए बुलाया जा रहा है, आप बोल रहे हो कि आप अपने वकील के साथ कोर्ट में हो, तो आप फिर मेरे पास आए क्यों और मुझसे झूठ क्यों बोला?
मैं जुबैर खान का केस नहीं लड़ूंगी। जुबैर खान अपना केस खुद बनाए, खुद देखे। मैं मुंबई से एक भी दिन बाहर नहीं रह सकती हूँ, तो बिग बॉस में कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट है।